सितारगंज के जिले में पुलिस कप्तान डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने कोतवाली में हत्या के मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि 3 अगस्त को शक्ति पार्क बैकुंठपुर निवासी फटीक वाला पुत्र ब्रजवासी वाला ने थाने पर लिखित तहरीर दी, जिसमें बताया कि उसका अखिल वाला उर्फ भोला का सुबह से पास खेत में काम करने गया था, जो कि बुधवार की बीती रात्रि महानंद तालुकदार के घर के सामने अपने दोस्त सुशांत बड़ेवा जगदीश व 3-4 दोस्त के साथ बैठा था कि तभी गांव का रहने वाला नंदू सरकार पुत्र कालीपद सरकार निवासी शक्तिधाम ने उसके भाई के साथ गाली गलौज की, जिसका विरोध करने पर नंदू सरकार व पुत्र कालीपद सरकार ने कस्सी से उसके भाई के गले में कई बार वार किए और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक की बहन की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध धारा 302 के तहत अभियुक्त मंजूर प्रकरण अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस ने आरोपी नंदू सरकार पुत्र कालीपद सरकार महेंद्र नगर गांव शक्ति फार्म से गिरफ्तार कर लिया। वही हत्या में प्रयुक्त आला कतल कस्ती फावड़ा भी बरामद किया गया है। खुलासे में बताया गया कि आरोपी और मृतक के बीच पैसे का लेन देन था, जिसको लेकर आरोपी मृतक के साथ गाली गलौज करता था, जिससे रंजित के चलते उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को चालान कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र सिंह ब्रजपाल, उप निरीक्षक हरविंदर कुमार आदि शामिल रहे। जघन्य अपराधों में अपराधियों को तुरंत कार्रवाई करते हुए उनके निश्चित जगह जो सलाखों के पीछे भेजना पुलिस का एक महत्वपूर्ण और कोर काम रहता है। कल बीते देर रात को, मतलब आज सुबह के तड़के, मॉर्निंग बोल सकते हैं, मध्य रात्रि के टाइम को हमें सूचना मिली सितारगंज थाने में, मतलब फाटिक बाला करके एक व्यक्ति रहता है, शक्ति फार्म का निवासी। उसने ये बोला कि उसका भाई है अखिल बाला उर्फ भोला, वो भी शक्ति फार्म का निवासी है जो मजदूरी का काम करता है। वो सुबह मजदूरी का काम करने गया था और शाम को मतलब उसी के शक्ति फार्म क्षेत्र में अपने दोस्तों के साथ जब उठना बैठना रहता था, उस समय जो है उसका एक परिचित नंदू सरकार करके एक व्यक्ति है, उसके साथ कुछ कहा सुनी हुई और गाली गलौच और लड़ाई झगड़ा हो गई। लड़ाई झगड़ा के तुरंत बाद नंदू सरकार ने उसके भाई को, जो अखिल बाला को, अपने घर से कुछ एक सामान लेके फावड़ा, उसका देहांत हो गया करके, इस प्रकार जो है दरादर एक पठाल से उसको वार करना और उसके हत्या करने के तुरंत सूचना ही। तो हमारी सितारगंज की टीम को रात को मेरे तो जगे रहे, संपूर्ण सितारगंज की पुलिसिंग व्यवस्था इतनी एक्टिवेट हो गया रातों रात, हमारा इमिडिएटली संपूर्ण तारा एक्टिवेट हो गया। SSI कोतवाली प्रभारी दिखाते हुए 10 घंटे के भीतर भीतर, मतलब सूचना मिलने से, मतलब मुश्किल से 5-6 घंटे के अंदर ही हमने ट्रेस आउट करके उसको ट्रैक कर दिया सर, लिखत पढ़त करके 10 आवर्स के भी अंदर अंदर, विद इन 8 आवर्स के आसपास के हमने वो अक्यूज को पकड़ लिया।